विश्व महिला दिवस पर बालको नगर में अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दिन महिलाओं ने खुद को समाज में मजबूती से स्थापित करने का संकल्प लिया। देखें ये रिपोर्ट। बालको महिला मंडल ने बालको नगर के सेक्टर 1 स्थित प्रगति भवन में विश्व महिला दिवस धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कोरबा की संयुक्त कलेक्टर श्रीमती हीना अनिमेश नेताम थी। जनजाति कल्याण विभाग की सहायक आयुक्त श्रीमती गायत्री नेताम और बालको महिला मंडल की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती इंदु शर्मा विशेष अतिथियों के तौर पर मौजूद थी। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर श्रीमती हीना अनिमेश नेताम, श्रीमती गायत्री नेताम और श्रीमती इंदु शर्मा का सम्मान शाल और श्रीफल से किया गया। श्रीमती हीना नेताम ने कार्यक्रम में उपस्थित समस्त महिलाओं को महिला सशक्तिकरण का संदेश देते हुए कहा कि इच्छा शक्ति से ही नारी स्वयं को मजबूत बना सकती है। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में संकल्प लेने की बात कही। श्रीमती गायत्री नेताम ने शासन की ओर से महिलाओं की सामाजिक आर्थिक मजबूती के लिए संचालित अनेक योजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि बालको महिला मंडल के माध्यम से बालको नगर में महिला सशक्तिकरण के अलावा जन कल्याण के अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विशिष्ट अतिथि श्रीमती इंदु शर्मा ने कहा कि जनहित के विभिन्न कार्यों को बालको प्रबंधन का भरपूर सहयोग मिलता है। उन्होंने कहा कि हमें स्वयं के महिला होने पर गौरवान्वित होना चाहिए। बालको महिला मंडल की कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती ममता मिश्रा ने अपने स्वागत उद्बोधन में सभी महिलाओं को विश्व महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। आज मैं सभी बहनों को, सभी मेंबर्स को, यहाँ उपस्थित सभी बहनों को हार्दिक अभिनंदन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तरफ से हार्दिक अभिनंदन देती हूँ। ये महिला दिवस आज 99 इयर्स पूरे हो चुके हैं, सेलिब्रेशन के 99 इयर्स पूरे हो चुके हैं। हम अपना अगला कदम 100 साल की तरफ बढ़ा रहे हैं।
मैं इतना कहना चाहती हूँ, हमारे जो बालको महिला मंडल ये महिला दिवस 44 साल से मनाते आ रहे हैं। बालको के द्वारा आयोजित आई कैंप में हर एक साल 500 से 600 मरीज को जो आई ऑपरेशन हो रहा है उसमें बालको महिला मंडल का पूर्ण सहयोग रहता है। बालको के आसपास बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसमें बच्चे वर्कर्स के बच्चे पढ़ते हैं और उन लोगों के लिए आपके पास एक चप्पल खरीदने का पैसा भी नहीं होता है, तो उन्हीं लोगों को वैसे उतने ही निजी बच्चों को हम लोग अपना तरफ से जितना हो सकते उतना हेल्प करते हैं। और महिला मंडल में हमारे बहनों के लिए हम लोग ने कल्चरल एक्टिविटीज जितना फेस्टिवल्स एक साल में होता है वो हर एक फेस्टिवल को अपने नजरिए से अपने तरीके से हमारे क्लब में पेश करते हैं। और ये सब मैं ये कहूँगी हमारे जितने मेंबर्स हैं उन लोगों का भरपूर सहयोग से पूर्ण हो सकता है। कार्यक्रम में उन महिलाओं का सम्मान बालको महिला मंडल की ओर से किया गया जिन्होंने विभिन्न कार्य क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि पाई है। विश्व महिला दिवस पर महिला मंडल की सदस्याओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सरस्वती वंदना, लोकगीत और नृत्य नाटिका की उम्दा प्रस्तुतियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। विश्व महिला दिवस के अवसर पर इंद्रनगर स्थित जागृति महिला मंडल ने कार्यक्रम आयोजित किया। वार्ड क्रमांक 30 के पार्षद श्री सुधीर शर्मा कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद थे। विश्व महिला दिवस पर जागृति महिला मंडल के सदस्यों ने विकास का संकल्प लिया और पर्यावरण संवर्धन के लिए वृक्षारोपण किया। इस मौके पर आयोजित भंडारे में बड़ी संख्या में इंद्रनगर के नागरिकों ने भागीदारी की। महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाते हुए कोरबा की महिला अधिवक्ताओं की ओर से जिला महिला अधिवक्ता क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई। सीएसईबी पूर्व फुटबॉल मैदान में आयोजित स्पर्धा में बालको महिला मंडल और बालको संयंत्र में कार्यरत महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टीमों ने भी हिस्सा लिया। बालको महिला मंडल की टीम की कप्तानी मंडल की कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती ममता मिश्रा ने की। बालको संयंत्र में कार्यरत महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टीम बालको चैलेंजर्स का नेतृत्व बालको केंद्रीय पुस्तकालय की अधिकारी श्रीमती नीलिमा दास ने किया। एक ओवर 8 रन बिना कोई नुकसान पहुंचा।
बहुत अच्छी गेम एक रन लिया था।